दरभंगा DMCH में कुछ अजीबोगरीब वाक्या सामने आया है। जले हुए बच्चे को रेफर किया गया है और रेफर करने के बाद जो एम्बुलेंस सुविधा उनके परिजनों को मिलनी चाहिए थी वो माकूल व्यवस्था यहाँ पे उनको नहीं मिल पा रही है। जब उनके परिजनों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि जब 102 के एम्बुलेंस कर्मचारियों से बात की तो साफ तौर पर उनका कहना था कि एम्बुलेंस में तेल नहीं है। ये है कि मेरा लड़का जो है कल 5 बजे खाना बनाते समय जल गया था, वहाँ बिरौल हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ से ट्रांसफर कर दिए यहाँ DMCH के लिए रेफर। DMCH से जो है रात में किसी तरह इलाज उलाज हुआ, अभी जो है यहाँ से रेफर कर दिया गया PMCH और एक और हॉस्पिटल के नाम से। इसके लिए जो है हम गरीब आदमी यहाँ से ले जाना हमें असमर्थ है, तो हमें सरकार द्वारा जो 102 नंबर की एम्बुलेंस दिया जा रहा है उसकी सहायता लेने के लिए हम कॉल कर रहे हैं, कॉल भी नहीं लग रहा। उसके बाद हमने स्टाफ रूम में गए, स्टाफ लोग कह रहे हैं हमारे पास तेल नहीं है। तेल मिलेगा जब ही ना हम जाएंगे। मैडम हमारे बच्चे की स्थिति बहुत ही खराब है। तो इमरजेंसी सेवा है उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। गाड़ी तो बिना तेल का चलेगा नहीं ना सर। सरकार ना सोचे, जो जिस एजेंसी को दिए हुए हैं वो एजेंसी टाइम टेबल फ्यूल दे, कम से कम फ्यूल का भी तो ध्यान रखे। तो एम्बुलेंस की एक तो संख्या भी कम है, दूसरा जो है उसका जो परिचालन, उसके परिचालन की जो परंपरा है उसमें कहीं हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। ऑटो कंट्रोल है उसको, वो हमेशा क्या कहें, जब कभी इस तरह की बात होती है तो कहता है फ्यूल नहीं है, तो ड्राइवर नहीं है, बहानाबाजी नहीं करता। हम लोग भी इसकी सूचना कई बार दे चुके हैं लेकिन अभी तक उस एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे उसके सुधार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया। सबसे बड़ी सवाल यहाँ ये खड़ी होती है कि एम्बुलेंस सरकारी संस्था उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल DMCH के लिए है। 102 पे अगर आप कॉल करते हैं तो तुरंत एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन यहाँ पे जो DMCH का वाक्या सामने आया है बहुत ही बड़ी DMCH को शर्मसार करने वाली है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से अभिनव कुमार।